नमस्ते डियर स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न आवर फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन स्पेस सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट अर्थ ही एक ऐसा प्लान है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है बिकॉज अर्थ पर एयर वाटर लैंड सब एक साथ अवेलेबल है जो बाकी प्लान पर नहीं है लुक एट द नाइट स्काई डू यू नो वाई द स्टार्स आर सो टाइनी This is because they are far away from the Earth outside the Earth's atmosphere. The area outside the Earth's atmosphere is known as outer space or space. It is infinity. Uncountable stars and other heavenly bodies are present in space. Millions of stars make a galaxy. Several million galaxies make up the universe. The Sun. एंड ऑल द स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई बिलोंग टू अ गैलेक्सी दिस गैलेक्सी इज़ कॉल्ड आकाश गंगा और द मिल्की वे स्टूडेंट नाइट स्काई में आपने बहुत सारे टाइनी स्टार्स देखे होंगे लेकिन वो रियल में टाइनी नहीं है वो बहुत ही यूज है कई स्टार तो सन से भी बड़े हैं लेकिन वो हमारे अर्थ से बहुत ही दूर है इस वजह से हमें बहुत ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं अर्थ के सराउंडिंग बहुत सारी एयर का जो थिक लेयर बना होता है जिसे हम कहते हैं एटमोसफियर अर्थ पर एटमोसफियर का लेयर लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अर्थ की एटमोसफियर की जो बाहर का एरिया है जिसे हम कहते हैं स्पेस स्पेस इन्फिनिटी है इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई एंड ना हो जो अनंत हो अनकाउंटेबल स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन स्पेस मिलियन स्टार्स एक साथ होकर गैलेक्सी बनाता है और ये सारी गैलेक्सी एक साथ जुड़कर यूनिवर्स बनाता है नाइट में जो हम टाइनी स्टार्स देख पा रहे हैं वो गैलेक्सी की वजह से और ये गैलेक्सी को आकाशगंगा और द मिल्की वे भी कहते हैं स्टूडेंट आगे हम पढ़ेंगे द सोलार सिस्टम द फैमिली ऑफ द सन इज़ कॉल्ड द सोलार सिस्टम द सन इज़ एट इट्स सेंटर द प्लैनेट्स द सैटेलाइट्स एंड अदर सेलिटियल बॉडीज़ मूव अराउंड द सन फर्स्ट जो है वो है सन जो एक जलता हुआ यूज बॉल है जो गैसेस से बना होता है जो हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है द प्लान देर आर एट प्लानिट्स इन दोलार सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर जो सन के पास सबसे पहला प्लानट है वो है मर्क्यूरी उसके बाद है वीनस जो थर्ड नंबर पर है वो है हमारा अर्थ देन मार्स जुपिटर सेटाइन यूरेनस एंड नैपचून ये सारे प्लानिट सन के अराउंड घूमते हैं देर आर सम प्लानिट्स दैट आर स्मॉलर इन साइज दे आर कॉल्ड ड्रॉप प्लानिट सीरेस प्लूटो एंड एरस आर ड्रॉप प्लान स्टूडेंट जो प्लूटो है वो भी पहले हमारे सोलार सिस्टम में इंक्लूड था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है ऑल प्लान आर स्फेरिकल इन सेप दे डो नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट दे कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द सन्ट फैलिंग ऑन देम प्लान रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स पैथ कॉल्ड ऑर्बिट्स द ऑर्बिट और द पैथ ऑफ इस प्लान इज एलिप्टिकल जो सारे प्लान्स हैं वो स्फरिकल सेप में है किसी भी प्लानिट की ओन लाइट या हीट नहीं है लेकिन सन की लाइट उस पर गिरने की वजह से वो लाइट करते हैं स्टूडेंट जैसे मैंने पहले बताया कि सारे प्लानिट सन की आसपास घूमते हैं ये जो उनका फिक्स पाथ है उसे कहते हैं ऑर्बिट और किसी एक प्लानिट का जो फिक्स पाथ या ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं एलिप्टिकल नेक्स्ट द मून द मून इज़ द बिगेस्ट हावनली बॉडी दैट वी कैन सी एट नाइट द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ स्टूडेंट नाइट स्काई में आपने मून तो देखा ही होगा मून जो अर्थ का सेटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमता है सैटेलाइट किसी भी प्लान से छोटे होते हैं और वो प्लानट के अराउंड घूमते हैं स्टूडेंट जो सन के आसपास घूमते हैं वो हुए प्लान और जो प्लान की अराउंड घूमता है वो हुआ सैटेलाइट द सैटेलाइट्स टू डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ दे आर विजिबल ड्यू टू द लाइट फ्रॉम द सन प्लेट की तरह सैटेलाइट की भी खुद की लाइट या हीट नहीं होती है वो भी सन लाइट की वजह से ही लाइट होता है आवर अर्थ हैज़ ऑनली वन सैटेलाइट द मून सैटन हैज़ थर्टी टू अन सेटेलाइट्स मर्क्यूर एंड वीनस डू हैव सैटेलाइट्स। अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है वो है मून सेटन के थर्टी टू सेटेलाइट्स है जबकि मर्क्यूरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है अदर हैवनली बॉडीज एस्टेरॉयस आर ऑल्सो कॉल्ड प्लानेटॉइयड्स और माइनर प्लानट्स इट इज़ बिलीव्ड दैट एस्ट्रॉयस आर ब्रोकन पेसेस ऑफ सम प्लानट किसी प्लानट के टूट जाने की वजह से जो उसके कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसे कहते हैं एस्टोरॉयट कॉमेट्स कॉमेट्स आर ग्लोविंग हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन कॉमेट्स आर यूज लम्ब्स ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट वैन कॉमेट्स रीच नियर द सन दे स्टार्ट ग्लोविंग एंड अपीयरिंग टू डेवलप अ लॉन्ग टेल कॉमेट एक सॉलिड रॉक्स होता है जो स्नो और रॉकी डस्ट से बना हुआ होता है जब वो सन के नियर जाता है तब वो ग्लो करने लगता है और एक लंबी टेल बनाता है मिट्टोर्स हैव यू आवर मेड वी सींग शूटिंग स्टार दैट शूटिंग स्टार इज़ एक्चुअली मिट्योर मिट्योर और मिट्टोराइडस आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन

और वह सन के अराउंड घूमते हैं कई बार ये पत्थर अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं और एटमोसफियर से रगड़ खाते हैं जिस वजह से वो जल जाते हैं उसमें से कई बार जब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं तब वो फोर्स से लैंड पर गिरते हैं अर्थ की सरफेस पर गिरते हैं और वो क्रैटर क्रिएट करते हैं मतलब खड्डा बना देते हैं नाइट स्काई में जब हम टूटता हुआ तारा देखते हैं वो रियल में टूटता हुआ तारा नहीं होता है वो होता है मिट्योर जो एटमोसफियर से रगड़ खाता है और बर्न होकर अर्थ के सरफेस पर गिरता है स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने कवर किया द सोलर सिस्टम एंड देयर प्लैनेट्स द सन द मून एंड अदर हेवनली बॉडीज कॉमेट एस्टेरॉयड एंड मिट्योर आई होप अब तक जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा